नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की सियासी आबोहवा में इन दिनों काफी अजीब सी तफिश महसूस की जा रही है। सत्तारूढ़ दल भाजपा में बैठकों और मुलाकातों का एक लंबा सिलसिला चल रहा है। बीते महीने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और संघ के पदाधिकारियों की मीटिंग का दौर चला। इसके बाद बैठकों का सिलसिला लखनऊ में भी चला। खैर, ये तो बैठकों का दौर था जो फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन अब बात सियासी जमीन पर अपनी गोटियों को बिछाने की है, जिसके लिए बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा और छोटे दलों ने जनता के बीच जाने का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे से हो चुकी है। वहीं कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के यूपी दौरे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी चुनावी उत्साह पैदा कर दिया है। दूसरी तरफ मायावती ने 14 सालों बाद ब्राह्मणों को अपने दल में खींचने के लिए पासा फेंक दिया है। हालांकि ये पासा किस ओर गिरेगा इसका तो पता नहीं, लेकिन मायावती ने ये चाल सोची समझी रणनीति के हिसाब से चली है। अगर कामयाबी मिलती है तो उन्हें 2007 जैसा फायदा मिल सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव है और इसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो आज का बड़ा सवाल इसी पर होगा कि कौन सी पार्टी आगे है और कौन अपने दल को मजबूत करने में किस तरह की कवायद कर रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीते दिनों प्रियंका गांधी यूपी दौरे पर थी। लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक उन्होंने बिना रुके और थके लोगों से मुलाकात की। उन्होंने उस महिला से भी मुलाकात की जिसकी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान साड़ी खींची गई और पीटने का प्रयास किया गया। प्रियंका गांधी ने इस मुलाकात के जरिए एक और संदेश देने की कोशिश की कि चाहे महिला किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा उनके लिए सबसे अहम और खास है। प्रियंका गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं में ये कहते हुए चुनावी उत्साह से लबालब भर दिया कि आपको इस पर गर्व करने की जरूरत है कि यहाँ जो संगठन बनाया गया है वो फर्जी नहीं है या सिर्फ कागजों पर नहीं है। ये संगठन आपकी वजह से है और अगर कांग्रेस चर्चा में है तो यह आपकी वजह से है। आप सभी को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज सभी न्याय पंचायतों में संगठन का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश संगठन में नई ऊर्जा और ये आपकी वजह से है। इन बातों ने सालों से उदासीन पड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी। लेकिन प्रियंका गांधी की ये दौरे कांग्रेस के यूपी में अपना जनाधार वापस दिला पाएंगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने किसी अन्य दलों के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या सपा बीजेपी से सत्ता की चाबी अकेले दम पर छीन पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी के साथ हो रही मुलाकातों को नए गठबंधन को जन्म देगी। दूसरी तरफ बीजेपी सपा और बसपा को रोकने के लिए छोटे दलों ने बड़ा ऐलान किया है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और AIMIM के प्रमुख अजुद्दीन ओवैसी भागीदारी संकल्प मोर्चा का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इस गठबंधन ने छोटे दलों को खुला ऑफर भी दे दिया है। जो भी उनके गठबंधन का हिस्सा बनेगा उसके दल का नेता CM या फिर डिप्टी CM बनेगा। लेकिन ये बात कहीं से भी समझ में नहीं आती। फिलहाल ये चुनावी वादे हैं जिन्हें पूरा होने में सदियों लग जाता है। लेकिन बीजेपी ने केंद्र में कैबिनेट विस्तार से सोशल इंजीनियरिंग का तगड़ा फॉर्मूला बनाकर सभी पार्टियों को चुनाव से पहले 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। OBC, SC और आदिवासी को दिल खोल कर विस्तार में जगह दी गई है। सबसे ज्यादा OBC के 27 मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के जरिए पूरे यूपी के जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। इसके अलावा बची हुई कसर को योगी कैबिनेट के विस्तार में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। योगी सरकार में होने वाले कैबिनेट विस्तार से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसे में इस विस्तार का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी कैबिनेट विस्तार में ब्राह्मणों को खुश करने की पूरी कोशिश की जाएगी, मतलब कई ऐसे चेहरों को शामिल किया जाएगा जो ब्राह्मण बिरादरी पर खास पकड़ रखते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए सत्ता की चाबी बीजेपी से छीनना आसान नहीं होगा। फिलहाल चुनावी ऊंट किस ओर करवट बैठेगा और किसके सर पर सत्ता का ताज सजेगा, ये तो 2022 में तय जनता करेगी। लेकिन मौजूदा हालात और बनते बिगड़ते समीकरण किसी एक पार्टी की तरफ जनाधार को खड़ा होते नहीं दिखा रहे हैं। मायावती ब्राह्मणों पर पकड़ बनाने में लगी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी OBC कार्ड खेल रही है।
समाजवादी पार्टी पहले से अल्पसंख्यक और ओबीसी पर अपना दाव पेश करती आई है, ऐसे में कुछ भी कहना मुश्किल दिखाई दे रहा है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो गठबंधन को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है और इसी को लेकर यूपी में सियासत गर्मा गई है। हर एक पार्टी अपनी कवायद कर रही है कि पुरजोर तरीके से वो 2022 के चुनाव में सेंध लगा सके, वोटरों को अपने पक्ष में कर सके। इसी को लेकर तमाम पार्टियां नए नए संगठन विस्तार पर और जो संगठन में कमी आई है उसको भी किस तरह से मजबूती दी जाए उसको लेकर भी मंथन चल रहा है। प्रियंका गांधी का दौरा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश फूंक के गया है। वहीं मायावती ने एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला छेड़ दिया है कि यानी कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अब दलित मुस्लिमों के साथ साथ वो ब्राह्मणों के वोटरों को भी साधने की कोशिश कर रही है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर लगे पूर्ण विराम के बाद अब योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल विस्तार पर सोच रहे हैं, यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। वो किस तरह से होगा, कौन से मंत्री इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ एक पैनल मौजूद है जिस पर आज हम 2022 विधानसभा चुनाव की सियासत पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ जो मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता वर्चस्व पांडे हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ हमारे साथ कपिश श्रीवास्तव जी सपा नेता मौजूद हैं, शबनम पांडे हमारे साथ बीजेपी नेत्री मौजूद हैं और इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शबनम जी, सबसे पहले मैं आप पर आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, मंत्रिमंडल विस्तार पर पूर्ण विराम लग गया था लेकिन एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो कहीं ना कहीं यूपी की सियासत भी जुड़ गई थी, तो अब यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, स्वतंत्र देव सिंह भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तो क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मेरे संज्ञान में कोई भी बात नहीं है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता भी है तो ये कोई एक अनोखी घटना नहीं है। ये जो सरकार होती है खाली स्थान होने पर मंत्रिमंडल विस्तार कर सकती है, क्योंकि कोविड के दौरान हमारे चार मंत्रियों की मौत हो जाने की वजह से स्थान भी रिक्त पड़ा हुआ है और वो मंत्रिमंडल विस्तार कर भरा जा सकता है। पर अभी संगठन में या सरकार में इस तरीके की कोई चर्चा देखने को नहीं मिली है। लेकिन जी हाँ, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ और जो सराहनीय कदम उठाया हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कि जिस तरीके से महिलाओं को जगह दिया है और सभी जाति धर्म के लोगों को सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का जो एजेंडा उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में दिखाया, ये काबिले तारीफ है और भारत के इतिहास में इसे स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। भारत की आजादी की लड़ाई से लेके अब तक महिलाओं का जो योगदान रहा और उस योगदान को जिस तरीके से मंत्रिमंडल में नकारा जाता था, आज पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बात को दिखाया कि महिलाओं को वो तवज्जो दिया, महिलाओं के सशक्तिकरण की केवल बात ही नहीं करती है, महिलाओं को सशक्त करने का काम जो प्रधानमंत्री जी ने किया ये काबिले तारीफ है। और जहां तक देखा जाए, आपको जानकारी नहीं है विस्तार की, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उनके दिल्ली दौरे की तो जानकारी होगी, क्या वजह है? देखिए, 2022 का चुनाव पास में है और लगातार चुनाव की रणनीति बन रही है और इस रणनीति के तहत लगातार चुनावी रणनीति को बनाने के लिए, संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए दिल्ली से वरिष्ठ नेताओं का उत्तर प्रदेश आगमन और उत्तर प्रदेश के नेताओं का दिल्ली जाना लगातार बना हुआ है। ये आप लगातार देखते भी आए हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेता भी उत्तर प्रदेश आते रहे हैं और हमारी कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें कि काफी विस्तार से इस पर चर्चा भी हुई है और संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए, संगठन के जो हमारे कुछ ऐसे रिक्तियां हैं उनको भरा जा रहा है, तमाम ऐसे कार्य चल रहे हैं बूथ लेवल से पन्ना प्रमुख लेवल से लेके उच्च पदाधिकारी का चयन
बिल्कुल शबनम जी, यही चीजें चल रही है। इसी पर प्रश्न इसीलिए उठता है कि जतिन प्रसाद को लेकर भी एमएलसी पद देने की इस वक्त चर्चाएं तेज हैं और सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है कि उनको भी शामिल किया जा सकता है। वहीं संजय निषाद भी लगातार आपसे नाराज चल रहे हैं, बीजेपी से लगातार उनकी जो उम्मीदें थी उस पर पानी फिर गया जब आप लोगों ने केंद्र का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, उसमें राज्य में 5 मंत्री चुने थे, उनको कहीं जगह नहीं मिली थी, तो उससे भी उनकी नाराजगी है। तो जो मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है, जो आपके शायद तक नॉलेज में नहीं है, अगर वो विस्तार होता है तो क्या लगता है, ये जो छोटे दल जिनकी नाराजगी भी सामने आ रही है, ब्राह्मणों की नाराजगी भी हम देख पा रहे हैं साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं वोट छट रहा है, तो उसको साधने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से हमारे जो छोटे दल हमारे साथ हैं, हम हमेशा उन दलों का ख्याल रखते हैं और उनकी जो भी नाराजगी है उसको खत्म करने का करते हैं, क्योंकि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम उन्हें हमेशा सम्मान का दर्जा देते आए हैं। जहां तक बात है ब्राह्मणों की नाराजगी का, ये अफवाह फैलाई हुई विपक्षी पार्टियों का है। जिस तरीके से ब्राह्मण हमारे साथ थे पिछले चुनावों में, आज भी हमारे साथ हैं, तो इस तरीके, क्योंकि हमने हमेशा एक ही तरीके की राजनीति की, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हमने तुष्टिकरण की राजनीति जरा भी नहीं की है, और जो भी योजनाएं हमारी हैं या जिस तरीके की भी हम रणनीति बनाते हैं उसमें सर्व समाज को अपनी रणनीति में एक प्रमुख स्थान देते हैं, तो इसलिए ब्राह्मणों की नाराजगी गलत बात है। जहां तक जितिन प्रसाद जी की है, लेकिन जिस तरह से हम जब चर्चाएं करते हैं शबनम जी, तो हमारे साथ ऐसे बहुत लोग इकट्ठा होते हैं और ऐसे कईयों से बात भी होती है जिसमें नाराजगी साफ तौर पर उजागर होती है। मैं आप पर आऊंगी दोबारा। कपिश जी, मैं आप पर आना चाहती हूँ। लगातार ये आरोप लग रहे थे कि विपक्ष कहीं सो सा गया है, जाग नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि विपक्ष भी जाग गया है। संगठन को भी मजबूत करने की कवायद सपा में चल रही है, जो संगठन काफी समय से कहीं ना कहीं छूट रहा था, उसको मजबूत करने की अब तेजी पर बात चल रही है। बहुत सीधी सी बात है, विपक्ष ना सोया था ना जाग रहा था, विपक्ष अपना काम अपने हिसाब से कर रहा था, क्योंकि कोरोना काल के अंदर हमारे लिए राजनीति के लिए जगह नहीं थी। हम मानव संपदा को बचाने में अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ थे, हम तमाम विजन्स के साथ थे, उनको जागरूक कर रहे थे, मेडिकल किट दे रहे थे, समाजवादी रसोईयां चला रहे थे, तो देखिए हमारे लिए वो प्रमुख था, और बाकी लोग अपना बैठक करें, वो अपनी राजनीति में सत्ता खोजें, चिताभस्म पर खड़ा होकर के सत्ता बना लें, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारा संगठन, जिसकी जो मजबूती है वो आपने देखी है त्रैस्तरीय चुनाव के अंदर, कि जो डायरेक्ट चुनाव थे उसमें हमने भारतीय जनता पार्टी को मंदिर संस्कृति के जिलों में भी धूल चटाने का काम किया, और हमारे 1750 क्षेत्र पंचायत सदस्य इनसे ज्यादा जीते, 550 हमारे जो है वो जिला पंचायत सदस्य इनसे ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो पन्नों पर सिद्धि हुई है, पन्नों का की बात कर रही थी, ये तो काशी क्षेत्र की दोनों MLC सीटें हार चुकी है हमसे, और हमने स्नातक और शिक्षक दोनों सीटें जीती है, प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। प्रधानमंत्री जी अगर वाकई माँ गंगे के लिए कुछ किए होते, बनारस वासियों के लिए कुछ किए होते, तो आज उनको झोले के रूप में आकर के बनारस में 8 महीने बाद कोविड काल के अंदर वो देखने नहीं आए कि एक माँ अपने बच्चे को किस तरीके से उसकी लाश रिक्शा पर लेकर के जा रही, काल में तारीफ करके गए हैं। कपिश जी आपने तो सुना ही होगा, इसीलिए तो हास्यास्पद और हंसी आती है इस बात की, और क्यों नहीं करेंगे तारीफ, उनको करनी भी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है और माननीय योगी जी भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, तो इनसे क्या आप अपेक्षा करते हैं भाई? अंदरूनी मसला चाहे इनके आपस में जो कुछ भी हो, लेकिन जब ये जनता के सामने आएंगे तो एक दूसरे की बड़ाई करते हुए नजर आएंगे, और वही वो करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन हम ये कह रहे हैं इनकी बुराई और बड़ाई से नहीं। अब आप लोग सड़कों पर उतरे और आंदोलन हमने देखा बहुत बड़ा, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ उसके बाद से लगातार जो सक्रियता है वो बड़ी भी है, तो उसका जरा स्पष्ट कर दीजिए कि अभी जो आप कह रहे उस वक्त कार्य में बिजी थे, उस समय काम कर रहे थे इसलिए नहीं आ पाए, तो अभी क्या आप समझ रहे हैं जरूरत आंदोलन की, उतरने की सड़कों पर इसलिए? देखिए बहुत सीधी सी बात है, जब तक लॉकडाउन का हिसाब था, जब तक इस तरीके की चीजें थी, जब तक होटल्स नहीं खोले गए थे, मॉल नहीं खोले गए थे, तो ये चीजें दिक्कत थी उसमें। लेकिन आज जब सरकार की अनुसार सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, उन्होंने लॉकडाउन को पूरी तरीके से खोल दिया है, सबसे पहले उन्होंने शराब की दुकान खोली, तो कुल मिला करके अब तो सारी चीजें खुल चुकी हैं, तो राजनीतिक कल्चर की भी चीजें खुली, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और हम लोग भी
अपने संगठन में उन चीजों को भी उठा रहे हैं और आंदोलन हम सब तक करते रहे। इससे पहले हमने बेरोजगारी के ऊपर किया था, इससे पहले हमने किसानों के ऊपर किया था, तहसीलों का के स्तर के आंदोलन जो है पूरे जिले पूरे प्रदेश के अंदर हमने ना जाने कितने बार किए। आपको याद होगा अखिलेश यादव जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, अखिलेश जी को पार्क में बैठा दिया गया, अखिलेश जी को हवाई अड्डे तक जाने नहीं दिया गया। कन्नौज वो जाना चाहते थे, किसानों के लिए रैली निकालना चाहते थे, वो खुद ट्रैक्टर चला के जाना चाहते थे, योगी सरकार नहीं जाने दी। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम कोनों से लाल होते रहे। आज भी आप देखिए कि जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जो ओबीसी कोटे के साथ जिस तरीके की चीजें हुई है और उसमें 4% ही लोगों को दिया गया जबकि 27% की उसमें देना चाहिए। जो इनका अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने भी इस बात को उठाया है सरकार के सामने और बच्चे वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज पूरी लाठीचार्ज हुई है, उसमें हमारी कई बहनों के हाथ टूट गए हैं, कितनी बहनों का हमारे सर खुल गया, लेकिन योगी सरकार हर धर्मता पर लगी हुई है और आज भी वो तानाशाह पूर्वक पूरी तरीके से काम कर रही है। तो आज ये मुंह से जो पेंग बढ़ा ले वो बढ़ा ले, जनता इनको सबक सिखाने के लिए 2022 में तैयार है। कोविड काल के अंदर आपने सारी चीजें देखी है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको कह दिया कि ये जेनोसाइड कर रहे हैं, इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था हराम भरोसे है, लाश कुत्ते नोच करके खा रहे थे, तो इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा ना चुनाव में। बिल्कुल, वो जवाब देंगे भी, अभी शबनम जी जवाब देंगे आपकी सारी बातों का। उससे पहले वर्चस्व मैं आप पर आना चाहूंगी, जिस तरह से प्रियंका गांधी 3 दिन के दौरे पर आई लखनऊ, उसके बाद लगातार उन्होंने जोश भरने का काम किया और उन मुद्दों को बेबाकी के साथ उठाया, मुखर अंदाज में रखा सबके सामने, जिसकी जरूरत लंबे समय से थी और ये लगातार कहा जा रहा था कि कांग्रेस कहाँ है, नजर नहीं आ रही। लेकिन ये मौजूदगी कुछ समय के लिए ही क्यों रह जाती है? प्रियंका गांधी आती है, जोश भरती है, उसके बाद फिर कार्यकर्ता उसी तरह से उसी राह पर वापस लौट जाते हैं, एक फिर से हम देखते हैं कि हाँ कोई जोश नहीं रह जाता है। तो एक लंबे समय तक ये जोश की कमी क्यों, और क्या नए आप मुद्दे उठाने वाले हैं, क्या नई राह सेट करके गई है, वो कौन सा ऐसा मंत्र आप लोग को देके गई है? देखिए कीर्ति जी, जो आपने बात है कि प्रियंका गांधी आती है, जोश भरती है, चली जाती है और कार्यकर्ता फिर से उनके जोश डाउन होने लगते हैं, ये आप पुरानी बातें बता रही हैं। अब जो कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस देने जा रही है उसमें केंद्रीय नेतृत्व का हमारे साथ पूरा जोश भी है और पूरा सहयोग भी है। प्रियंका गांधी जी का उत्तर प्रदेश का दौरा ये यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा भरने का ही दौरा था, जिससे अब सभी कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर पन्ना लेवल तक की अपनी तैयारी करना शुरू कर दें और जो तैयारी हो भी रही थी अब उसको और भी बूस्टअप होकर के ये लोग करेंगे। हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा इस चुनाव में, जिसको हम लोग पहले से तैयार कर रखे हैं, महिला सुरक्षा, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा पिछले 4 सालों में जितने महिलाओं के साथ अत्याचार हुए और उनके अपराधियों को जिस प्रकार से सरकार का संरक्षण मिला वह किसी से छुपा नहीं है। दूसरा मुद्दा रोजगार का, आप एक शिक्षक भर्ती की बात करती हैं, शिक्षक भर्ती को अगर आप छोड़ दीजिए तो आपके पास कोई भर्ती के नाम पर कुछ है नहीं, क्योंकि अगर भर्ती होती, आपने UP SSC की भर्तियाँ नहीं की, उसमें लेखपाल की भर्ती नहीं हुई, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती नहीं हुई, अभी SI की भर्ती आई है, जो होगी कि नहीं होगी सिर्फ एक चुनावी जुमला है, ये कोई नहीं जानता, क्या पता इसको ब्रेक कर दिया जाएगा, ये कोई नहीं जान रहा। और तीसरी बात, किसानों के कर्जा माफ की बात है, आपने कर्जा माफ नहीं किया, बिजली बिल किस तरीके से बढ़ता जा रहा है वो किसी से नहीं छुपा हुआ है। मुद्दों की कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में, आपको मुद्दे तमाम, कांग्रेस पार्टी इन सभी मुद्दों पर लड़ेगी। आपने मुझसे पूछा कांग्रेस पार्टी का बेसिकली मुद्दा क्या है, मुद्दे आपके बिल्कुल मजबूत है लेकिन उसको मजबूती के साथ आप कैसे रख रहे हैं वो जरूरी बन जाता है। आपने देखा होगा स्थिति है कांग्रेस की, आपने देखा होगा पूरे इस लॉकडाउन में जब कोरोना काल चल रहा था उस समय अगर विपक्ष के रूप में सड़क पे कोई एक नेता दिख रहे थे वो माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी थी, वही सड़क पे उतरती थी, चाहे वो हाथरस का मामला रहा हो, चाहे आपका इलाहाबाद का मामला रहा हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि बारापट्टी गांव में आज के ठीक 2 दिन पहले की बात है कि नाव से नदी पार कर रहे लोगों को जेल में डाल दिया गया है। यह इनका OBC मलाह व्यक्तियों के साथ इनका इस सरकार का व्यवहार है। बात करती है संजय निषाद जी नाराज हैं, क्यों नहीं नाराज होंगे, उनके भी अपने जाति के लोगों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, सरकार में उनकी सहभागिता मानी जाती है ना, लेकिन उनके जाति के लोगों के साथ भी अत्याचार हो रहा है। साथ में
जितने भी इनके साथ छोटे दल जुड़े थे, आपकी बातों को समझ रही हूँ। और तमाम मैंने ये कहा ना, प्रभाव बहुत ज्यादा है प्रियंका गांधी का, और वो जब भी आती है तो उनका प्रभाव साफ तौर पर लोगों के अंदर दिखता है, क्योंकि आपकी पार्टी की बड़ी नेता है और उनका चेहरा जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करता है। लेकिन उस चेहरे से आपको किस हद तक मदद मिलेगी, क्योंकि उनका आना फिर जाना, एक लंबे समय तक सक्रिय ना रहना, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक ना साबित हो। प्रियंका गांधी जी हमेशा सक्रिय है, और उनके आने से सिर्फ हमारे अंदर ही उत्साह नहीं है, यूपी का हर वो वोटर जो आगे चल के भविष्य में कांग्रेस को वोट करने की सोच रहा है उसके अंदर भी उत्साह आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी विपक्ष के रूप में अभी तक तो दिख ही रही थी, अब आगे फ्रंट में आके क्या पता चुनाव जीतने की उम्मीद कांग्रेस लगा रही है। इसीलिए प्रियंका गांधी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी छोटे दल देती है बेशक, लेकिन उनके जाते ही कहीं ना कहीं गुम भी हो जाती है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन अब कांग्रेस आपको गुम नहीं दिखाई देगी, ठीक है। और प्रियंका जी ने एक स्टेटमेंट और दिया है कि उन्होंने सभी छोटे दलों को गठबंधन के लिए एक रास्ते खोले हैं, जिसमें जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, दलों की उन्होंने तो गठबंधन के लिए सबके लिए रास्ते खोले हैं, सबके लिए खोले, आइए मिलकर सहभागिता करते हैं और सरकार बनाते हैं। इसलिए अब देखिए रास्ते खुल रहे हैं और हम लोग जल्दी से जल्द चाहते हैं कि सहभागिता आपकी किस तरह से 2022 में कितना रंग लाएगी, उस पर भी आगे हम आपसे पूछेंगे। जहां तक मनीष जी, सबनम जी ने एक बात कही थी विश्वास की, विकास की और सबके साथ की, उसमें मैं बताना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार ये अपराधियों के साथ है और इसका अपराधियों पे विश्वास है और ये अपराधियों का ही विकास कर रही है। ठीक है मनीष जी, आपने सबकी बातें सुनी, तमाम दलों की आपने बातें सुनी कि किस तरह से तैयारियां हैं और क्या 2022 को लेकर उनकी थ्योरी बन रही है। आपको क्या लगता है कि क्या जो मजबूती के साथ कांग्रेस कह रही कि अब हम खड़े होंगे, जहां तक कपिश जी का भी कहना था कि अब वो मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, वहीं अब मंत्रिमंडल विस्तार योगी सरकार में भी होने जा रहा है, तो क्या बदलाव होने वाले हैं? देखिए कीर्ति जी, सबसे पहली बात जो विस्तार होने जा रहा है हम उस पर नजर डालते हैं। अभी केंद्र सरकार ने अपना विस्तार करा और कल प्रधानमंत्री जिस तरीके से आया, जिस तरीके से उन्होंने स्वागत भाषण दिया, जिन्होंने उन्हें जातिगत तरीके से बुलाया कि ओबीसी, पिछड़ा वर्ग और महिलाएं, ये पहली बार हुआ। देखिए आप समझिए, ये भी समझिए प्रधानमंत्री के साथ साथ वो एक प्रखर नेता भी हैं और उनको पता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं और 2022 के बाद 2024 भी है, राह यहीं से बननी है। ये कैबिनेट एक्सपेंशन जो हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में, इसमें भी आप ये देखेंगे कि जैसा कि आप जानती हैं 60 से बड़ा मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश में नहीं बन सकता, अभी भी 22 कैबिनेट मंत्री हैं, 9 जो है उसमें जो है वो राज्य मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार हैं और मेरे ख्याल से 22 ही राज्य मंत्री जी, और अभी 3 लोगों की जैसा कि बताया शबनम जी ने कि मृत्यु भी हो चुकी है। तो अब जो एक फॉर्मूला लेके आई थी मोदी सरकार कि वो मिनिमम गवर्नमेंट लग के मैक्सिमम गवर्नेंस करेगी, देखिए वो दोनों जगह फेल होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का साइज है और जो कैबिनेट का साइज है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि ये 5 से 7 सीटें जो बची हुई हैं इस पर किस तरीके से जो है वो अपने मंत्रियों को बैठाते हैं, क्योंकि देखिए जतिन प्रसाद का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आना एक बहुत बड़ा ब्राह्मण वोटर लॉस है, ठीक है, और अगर आप सूत्रों की माने और अंदर खाने की माने तो शायद उनको एक बड़ा पद, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में पद दिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल एमएलसी पद की बात हो रही है, और शायद आप ये भी देख सकते हैं कल, क्योंकि जहां जो आज सुबह से जो सरगर्मी है भाजपा कार्यालय में और जो सूत्र बता रहे हैं कि शायद उनको एक पद भी दिया जा सकता है, संजय निषाद जी, देखिए मल्लाह वोटर 135 सीटें जो उत्तर प्रदेश में है उस पर बहुत बड़ा वोटर है, वो बहुत ताकत रखता है चुनाव को बदलने की, और स्वयं योगी आदित्यनाथ जहां से आते हैं गोरखपुर से, 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं वहां पर जहां पर 6 लाख से ज्यादा वोटर है, तो संजय निषाद भी एक बड़ा चेहरा है और बहुत दिन से वो चाह भी रहे हैं, ये भी बात सूत्रों से वो कह रहे हैं और कहलवाना भी चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का बिल्कुल 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 बिल्कुल। और देखिए एक चीज आप ये भी समझिए कि निषाद वोटर को साधने के लिए अगस्त 2020 में जयप्रकाश निषाद जी को सीधे राज्यसभा में यहां से भेजा गया था, मैंने कहा वो एक बड़े वर्ग का वोटर है, बड़ा वर्ग है और उस पे भाजपा की नजर है। अब देखना ये संजय निषाद जी को वो कल आने वाले समय में कैसे साधते हैं, कैबिनेट में उनको कौन सी जगह देते हैं, क्योंकि देखिए ओबीसी वोट को 2014 के बाद जिसमें जिसमें जो जाट और छोटे छोटे जितने भी थे जिसमें निषाद लोग थे, 40% ओबीसी वोटर है उत्तर प्रदेश में, ये बहुत बड़ा वोट है।
अब देखना होगा ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन होने जा रहा है योगी जी का, इसमें किस तरीके से वो जातीय समीकरणों को बिठाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी प्रवक्ता है, बीजेपी पार्टी इस चीज को नहीं कहेगी कि ये भाई, वो तो यही कहेगी कि ये उन मुख्यमंत्री का अधिकार है, हम कभी भी कैबिनेट का एक्सपेंशन कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी समझिए, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल जी को केंद्र में बड़ा पद दिया गया, ये सारी चीजें जो है उत्तर प्रदेश चुनाव को रख के करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव मनीष आता है ना, तो बेहतरी की बात करते करते जाति पर वो मुड़ ही जाता है, और ये सच्चाई है, कबूले ना लेकिन ये सच्चाई है। देखिए एक और बड़ा नाम जो पता चला है वो ए के शर्मा जी का चल रहा है, जो गुजरात कैडर के आईएएस थे, और आते आते जब वो लखनऊ और से लेके नोएडा तक उनके बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, और ये कहा गया कि उनको उप मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन वो एमएलसी संगठन में शामिल जी होके रह गए। और आपने जैसा बताया कि स्वतंत्र देव सिंह, बी एल संतोष और संदीप बंसल स्वयं आज दिल्ली में है, ठीक है, लगातार बैठक चल रही है। और संघ के जो सहकारवाहक हैं दत्तात्रेय हर्ष भोले जी, उन्होंने भी एक बड़ी मीटिंग करी मुख्यमंत्री के साथ, दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ। देखिए इतना बड़ा जब मूवमेंट होता है तो चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन की भी जो है उस पर भी आरएसएस की नजर है। और ये जाति का समीकरण जो है, ये जाति के हिसाब से मंत्रियों को बैठाना, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखने को मिला, 26 मंत्री ओबीसी के दिए गए थे केंद्र में, जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो ये जाति के आधार पर ही दिए गए थे। जब राज्य के लिए मंत्री चुने गए थे, दो ओबीसी, दो पिछड़ा वर्ग और एक ब्राह्मण, तो ये क्या है, ये तमाम चीजें मनीष हम देखते हैं, कहीं ना कहीं जातीय समीकरण साधने की कोशिश होती है। देखिए जहां तक एक बार अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, तो यहाँ पर अगर जो या फिर हम अगर जो अभी रिसेंट में जिस तरीके से बीजेपी ने अपने आप को प्रोजेक्ट कराया कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाली जो बात करी है, लेकिन जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने अपर सदन में आके जो है जिस तरीके से स्वागत करा और जाति का नाम लेके कहा, तो ये पहली बार हुआ है। आप समझिए प्रधानमंत्री है, बड़ा चेहरा है, देश का बड़ा वर्ग उनको पसंद करता है, लेकिन इस तरीके से ये चुनावी बिगुल भी है, उनको पता है किस तरीके से हमें मंत्रियों को लेके आना है, उनको ये भी पता है कि हमें चुनाव किस तरीके से लड़ना है। और देखिए जो बैठकों के दौर लगातार पिछले हफ्ते से लगातार चल रहे हैं, जिसमें संघ है, जिसमें मुख्यमंत्री है, जरूरी है कि कहीं ना कहीं अब जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें बदलाव तो देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बदलाव किस तरह से होते हैं भी अहम है। शबनम जी आपका क्या कहना है, लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी लगातार इस बात को लेकर आपको घेर रही हैं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हो या कोरोना के समय में जिस तरह की चीजें देख रहे हो उसको लेकर घेर तो रही हैं, उनके सवालों का जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सदन में सामने आकर जो जाति विशेष के तौर पर एक खेमों को बांट कर उन्होंने कहा कि मंत्रियों को बोलने इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि वो ओबीसी से आते हैं, पिछड़ा वर्ग आते, दलित, जब एक बड़ा जो चेहरा होता है जब वो सामने आके इस तरह से बात करता है क्या इम्पैक्ट जाता है। देखिए सबसे पहले तो मैं विपक्षी दलों का जवाब देना चाहती हूँ। जब विपक्षी दलों से आपने सवाल किया तो उनके पास अपने संगठन, अपने चुनावी रणनीति के बारे में बोलने को कुछ भी नहीं था, केवल वो परेशान भाजपा को लेकर है और सरकार को लेकर है, इसके अलावा इनके पास कोई भी रणनीति नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये लगातार हमारे बनाए हुए रणनीति पे प्रश्न करना, हमारी सरकार पे लगातार झूठे आरोप लगाना, ये केवल इनकी रणनीति रह गई है विपक्षी दलों का। शोर मचाने का मतलब ये है कि आपकी चोरी पकड़ा गई, इसीलिए आप बीच में बोल रहे हैं। देखिए अगर देखा जाए कोरोना वक्त में, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे मायावती जी हो, जो भी पार्टियां विपक्षी हैं उनके सभी नेता नदारद थे, सब पता नहीं कहाँ आइसोलेशन में थे, इसका कोई पता नहीं। जनता यहाँ अगर परेशान थी तो सरकार और भाजपा का संगठन, सेवा ही संगठन के द्वारा पूरी तरीके से जनता के साथ खड़ी थी। और यही वजह है कि जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना काल में, कोरोना संकट में जनता के साथ, जैसे ही कोरोना से ठीक हुए, जनता के बीच लगातार दौरा करते रहे और सारी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते रहे। शबनम जी लेकिन तो व्यवस्था की जो आप बात कर रहे हैं, कोरोना के समय में व्यवस्थाएं सबने देखी, आपके खुद के मंत्रियों की चिट्ठी सामने आई थी, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उस तरह की व्यवस्थाएं सबने देखी थी, लेकिन जो एक जी इस बात को आपको मानना होगा कि ये वैश्विक महामारी जो आई है कोरोना, ये सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इससे पहले चाहे सरकार किसी की भी हो,
किसी तरह की भी सरकार हो, लेकिन इस तरह की महामारी देखना शायद विश्व के किसी सरकार ने पहली बार देखा। और भारत की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, विश्व का कोई एक देश का नाम बताइए जहां व्यवस्थाएं कमतर नहीं पड़ी। बिल्कुल आपदा आई, बिल्कुल यहां कोई समझ रहा है, लेकिन एक मन से चढ़कर वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना और उसके बाद सदन में जाकर इस तरह से जाति को सामने रखना, नामों के आधार पर ना बोलना। मैं बोल रही हूँ जी, मैं सभी पे बोल रही हूँ। तो इस आपदा पे, जो सदी की सबसे बड़ी महामारी है, इस आपदा पे राजनीतिक अफसर ढूंढना बंद कर दें, लाशों की राजनीति करना बंद कर दें। ये विपक्षी दल ये अपनी रणनीति बनाए, ये जनता के बीच क्यों नहीं थे, जनता को जवाब दें। जनता त्रस्ती जिस वक्त चमन जी, कपिल जी ने बताया, हम तो इसलिए नहीं कहा क्योंकि हम जनता की सेवा कर रहे थे। कपिल जी तो यही कह रहे हैं। नहीं, आप पूछिए कहाँ थे अखिलेश जी, कहाँ थी प्रियंका जी जो आए दिन जो राजनीतिक टूरिज्म, कोई आंदोलन टूरिज्म वगैरह नहीं होता, टूरिज्म मोदी जी करते हैं जो दो साल से फंसे पड़े हैं देश में। ये यूपी में दौरा कर नहीं पा रहे मोदी जी, करना बंद कर दें राजनीतिक टूरिज्म, जातिगत तौर पर देश को बांटना भाजपा की पुरानी परंपरा रही है। जब मोदी जी को लगा, जब मोदी जी को लगा बाकी सभी जातियां, एक एक करके बोलिए प्लीज, तो अच्छे समझ आएगा। ठीक है वर्चस्व जी, मैं आप पर आऊंगी, आपसे जवाब ले लूंगी। शबनम जी, लेकिन आप बताइए ना, जाति की बात नहीं कर रहे हैं, जातिवाद में आप नहीं बांट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो क्यों इस तरह के मंत्रियों में बंटवारा, क्यों जाति के आधार पर किया जाता है? मैं पूरी बात बोल रही हूँ। अब सदन की बात है कि किस क्यों प्रधानमंत्री जी ने सदन में इस तरीके, क्या आपने कभी देखा कि सदन में जब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों का परिचय होता है तो इस तरीके का हो हंगामा करते सदन में? अपने भारत के, आजाद भारत के इतिहास में कभी आपने देखा? कभी नहीं देखा। क्यों इन लोगों ने आजाद भारत के स्थान पर ये भी तो कभी नहीं देखा कि किस तरह से उन्होंने बोला कि हमारे वहां पर ओबीसी मंत्री बहुत है, मुझे पूरी बात दलित मंत्री बहुत है जी। आप मुझे पूरी बात बोल लेने दीजिए। आपको पता ही नहीं है कि सदन में हंगामा किस बात का था, तो आप झूठे ही बोल रही हैं। हंगामा तो जासूसी कांड को लेकर था। अगर आप ही को बोलना है तो मैं चुप बैठ जी। शबनम जी बोलिए, बोलिए, सुन रहे हैं आपको। नहीं तो आप ही बीच में बोल रहे हैं ना, सुनिए, सुना जाता है मुंह बंद करके, मुंह खोल के सुना नहीं जाता है, कान खोल के सुनिए। देखिए प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से बोला उसकी वजह क्या है, ये तो मानने को आप तैयार हैं कि आज मंत्रिमंडल में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास दिख रहा है, हर जाति धर्म के लोग हैं, हर कोई है उस मंत्रिमंडल में जिस जो भारत में अपनी अपने अपनी जाति या अपने अपने क्षेत्र या अपने अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते कि एक जाति विशेष ओबीसी का चुन लिया उसको मंत्रिमंडल में भर दिया, एक धर्म विशेष को जोड़ लिया उसको हमने कर लिया। हमने सबका प्रतिनिधित्व अपने मंत्रिमंडल में, हमने ना लिंग के आधार पे एक परिवार की प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अध्यक्षा चुन लिया और हो गया काम, हमने सबका प्रतिनिधित्व करा है। और ऐसे ऐसे लोगों को जब मंत्रिमंडल में किया गया तो जिस तरीके से विपक्ष ने उनका अनादर किया ये बताना जरूरी है कि अगर मंत्रिमंडल में महिलाएं ज्यादा है तो उनका सम्मान नहीं, मंत्रिमंडल में ओबीसी पक्ष ज्यादा है तो उनका सम्मान ये नहीं करेंगे, अगर दलित ज्यादा है तो उनका सम्मान नहीं। ये विपक्ष जो दोहरा चेहरा दिखा रहा है वो ठीक है। शबनम जी, हमने आपकी बात मान ली, आप जिस आधार पर कह रही हैं वो बात हमने मान ली। कपिल जी आपको क्या लगता है कि शबनम जी ने जिस तरह से बोला कि कहां था विपक्ष जब महामारी चल रही थी, उन्होंने साफ तौर पर इल्जाम लगाया है कि आप लोग कहीं दिखाई नहीं पड़े, और दूसरी बात जिस तरह से जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही है और उस पर जो शबनम जी ने कहा कि नहीं इस तरह से सदन में हमने इस तरह से इसलिए बोला क्योंकि बताना जरूरी था, क्या लगता है? बहुत सीधी सी बात यह है कि शबनम जी अपनी झेप उतर, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जिस चीज की पराकाष्ठा हो जाए उतने नीचे स्तर पर उतर करके भारतीय जनता पार्टी काम करती, संविधान पर भरोसा नहीं, देश की एकता और अखंडता पर भरोसा नहीं, जाति और धर्म में बांट करके सियासत कर रहे और प्रश्न हमसे कर रहे। आप सत्ता पक्ष में हैं और आप विपक्ष से प्रश्न कर रहे हैं, ये तो हक हमारा है जो आप छीन रहे हैं। और मैं तो सीधी बात एक बार पूछ रहा हूँ, कोविड काल में किसको खोज रही थी? सरकार में आप थी, संस्थाएं आपके पास, सरकार की ताकत आपके पास, रुपए पैसे सरकार के आपके पास,
टैक्सेशन के पैसे आपके पास, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी और अमीर पार्टी आपके पास, तो फिर आप किसको खोज रहे थे? हम लोग जो अपने स्तर पे काम कर सकते थे वो हम कर रहे थे। हमसे आप अगर सरकार चलवाना चाहती तो इस्तीफा दे दीजिए, कोविड मैनेजमेंट आपसे बेहतर करके दिखा देंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप विपक्ष में बैठी है तो आप सत्ता छोड़ दीजिए, और अगर आपको लगता है कि सत्ता में आप हैं तो फिर आप विपक्ष से ये प्रश्न नहीं कर सकते कि आपका काम हमने क्यों नहीं। इस पे आपको शर्म आनी चाहिए, अगर थोड़ी सी आ जाए तो झेप लीजिएगा। दूसरी बात मैं कहना कहता हूँ, आप झेप लीजिएगा, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको ही आईना दिखाया था और कहा था कि योगी सरकार जो है वो जीनोसाइड कर रही है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा पाने का अधिकारी है हमारे देश का और प्रदेश का नागरिक, और आप उसे एम्बुलेंस नहीं दे पा रहे थे। मोदी जी के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बकायदा पूरी तस्वीरें आई हैं कि एक माँ अपने बच्चे की लाश को अपने पैर के नीचे रख करके और वो ई रिक्शे पे ले जा रही, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी उसकी है जहां माँ गंगे ने बुलाया था प्रधानमंत्री किया है बनारस। इसी वजह से हमने तो पहले ही अपने दोनों एमएलसी जीत लिए, इस्तीफा दे देना चाहिए मोदी जी। और दूसरी चीज मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि राम भरोसे आपका स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, इलाहाबाद न्यायालय ने ही कहा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम मूक दर्शक नहीं बन सकते हैं और हमारी अधिकार को आप कम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के वाद में जो आधारभूत ढांचा है उसको आप नीति निदेशक ठीक है कपिल जी, लेकिन रणनीति आप, मैं तो एक बात नहीं, आप बीच में इंटरप्ट ना करें, मेरी पूरी बातों का जवाब दे लें, क्योंकि मैंने इनका पूरा गाथा सागर सुना है। आप इंटरप्ट ना करें जब मैं संवैधानिक मसले उठा रहा हूं तो ये उसका जवाब दे। मैं तो सीधी सी बात आपको ये कह रहा हूं कि नीति निदेशक तत्वों पे ये क्यों चले गए? अगर कोई वैक्सीनेशन की नीति, ऑक्सीजन की नीति, दवाई की नीति अगर वो पूछ रहे हैं और ये बता नहीं रहे हैं, जबकि पैंडेमिक एक्ट लागू है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, तो उस पर केंद्र सरकार को सारी नीतियां बनानी चाहिए थी और सब कुछ सारा पावर अपने हाथ में रखना चाहिए था। इन्होंने जानबूझ करके राज्यों के सहारे छोड़ करके अपने सो रहे थे और राज्यों से पॉलिटिक्स करा रहे थे एक दूसरे के क्षेत्राधिकार के अंदर। कोई कहता था हम लॉकडाउन करेंगे, कोई कहता था एक मिनट सुनिए, अभी इन्होंने कहा मंत्रिमंडल के विस्तार में, आप खुद देखिए एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है और संवैधानिक ये दस्तूर रहा है कि कभी प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर कभी जाति धर्म की बात नहीं कही कि हमने इतने ओबीसी बना दिए, आप उनको यो दिखाई नहीं दे रहा, आपको दलित नहीं दिखाई दे रहा, आपको महिलाएं नहीं दिखाई दे रही है, यानी सारी विभेदकारी नीतियों को आप संसद के मंदिर में कह रहे हैं जहां आप चरण स्पर्श करके गए थे और संसद को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीना ठोक के ये बात कह रहे हैं तो जाते जवाते की बेलिया में क्यों? 7 वर्ष आखिर इन्होंने इतना शानदार मंत्रिमंडल अगर उनके हिसाब से था तो 7 वर्षों तक क्यों नहीं उनको उपेक्षा की? क्यों दलितों की उपेक्षा की? क्यों ओबीसी की उपेक्षा की? क्यों महिलाओं की उपेक्षा की? तो राजनीति करना बंद कीजिए और संवैधानिक पद पर बैठ करके स्तर को नीचे गिराने से रोकना चाहिए, क्योंकि आप राजनीति का स्तर कहां लेकर के जा रहे हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करनी है प्रधानमंत्री के पद, लेकिन वो बैठ करके भाजपा के नेता बनते हैं और प्रधानमंत्री का वो प्रचार मंत्री शबनम जी से पूछ लेते हैं जवाब, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है कपिल जी, हमने आपकी सुन ली, शबनम जी जवाब दीजिए। देखिए ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जब कभी भी कोई चर्चा होती है तो लगातार विपक्ष को लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखना लगता है। जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इनके आंदोलन से निकलता है तब इन्हें खतरा नहीं दिखता, तब इनके देखिए तब इन्हें लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखता जब आतंकवादी को पकड़ते हैं। क्यों जेल में बंद है? लोकतंत्र और संविधान पे खतरा नहीं दिखता है जब माफियाओं पे कार्रवाई हो
होती है तो माफियाओं के लिए इतने माफियाओं पे कार्रवाई की आपने, एक विशेष जाति को टारगेट किया है। एक एक करके प्लीज % माफियाओं को जगह मिली है, जिनके ऊपर अपराध के बड़े से बड़े मुकदमे हैं। करके बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, प्लीज। 44 सैनिकों की शहादत आपने कराई है। कपिल जी और शबनम जी प्लीज, मैं लास्ट बार आपको कह रही हूँ, प्लीज एक एक करके अगर आप बोलेंगे तो इंटरप्शन नहीं होगा, आवाज सही समझ में आएगी, आप लोग को एक दूसरे की बात भी समझ में आएगी। शबनम जी सीधे सवाल का जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक बड़ा चेहरा इस तरह से सदन के सत्र में मौजूद होके वो पहुंचते ही उन्होंने जिस तरह से संवाद करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि हमारे वहां पे ओबीसी वर्ग के मंत्री ज्यादा हैं, दलित वर्ग के मंत्री ज्यादा हैं, महिला वर्ग ज्यादा है, ब्राह्मण ज्यादा है, इस तरह से एक आप जब संबोधित करते हो जाति विशेष को तो क्या प्रभाव जाता है? नहीं करते हैं ये लोग, अछूत मानते हैं ब्राह्मणों को। मुझे लगता है कांग्रेस के साथी का नाम शबनम रखा गया है, बधाई हो आपको भी। जी शबनम जी बोलिए। आपने जो प्रश्न पूछा, मैं जो भी बात विपक्षियों ने कहा उसका जवाब जरूर, फिर जनता की सेवा करने में आपका और हमारा काम क्या होता? आप नहीं करना चाहते, स्वेच्छा से कहिए हम नहीं करेंगे, पर हम विपक्ष से इस्तीफा दे दीजिए, हम कर रहे हैं। सरकार की पावर क्या विपक्ष रखता है? मैं मानती हूँ विपक्ष के पास स्वास्थ्य आत्मा है, जवाब ले ले रहे ना कपिल जी प्लीज, हम जवाब ले ले रहे हैं। क्यों नहीं बोल रही? आपको पूछना चाहिए कि फिर सत्ता पक्ष में ये क्यों बैठी? अपने कर्तव्य का आदर कपिल जी, देखिए आपको कपिल जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको पूर्ण समय मैंने दिया क्या? स्वास्थ्य मैं आपके पास भी आऊंगी, जवाब लूंगी जी। देखिए सामान्य परिस्थिति में भी जब सपा बसपा की सरकारें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, तो एम्बुलेंस क्या तमाम ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं की धज्जियां उड़ते हुए टीवी पे रोज एक हाईलाइट होता था, वो ब्रेकिंग न्यूज होता था। शायद मुझे लगता है कपीश जी उन सब बातों को भूल गए हैं। हमने इस असामान्य परिस्थिति में भी बहुत अच्छी व्यवस्था की और जनता को जितना हो सकी व्यवस्था की। अब अगर प्रधानमंत्री जनता चुन लेगी कि क्या उनको कोरोना काल में जो व्यवस्थाएं मिली हैं क्या वो सही, वो जनता चुन लेगी और 2022 के चुनाव में वो पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है, जितिन प्रसाद को बड़ा पद जो देने की बात हो रही है, इस पर थोड़ा स्पष्ट थोड़ी इस पर लाइट हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि हम ये बात सामने आती रही कि ब्राह्मण वोटर्स जो है वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, चाहे वो एनकाउंटर्स की बात हुई हो तब भी ये कहा गया हो कि योगी सरकार में ज्यादा से ज्यादा जो एनकाउंटर हुए वो किनके हुए हैं, इसको लेकर लगातार सामने आती रही। ब्राह्मण वोटर्स का भी ये कहना है, हमारी चर्चाएं भी कई बार हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जरूर जो महसूस की गई थी, जो एक प्रैक्टिकल देखा गया था कि नहीं सत्ता में अगर योगी सरकार आती है तो शायद तक कुछ बदलाव होंगे, उनकी तरफ नजर जाएगी, कार्य किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए मैं साफ तौर पे आपको बताना चाहती हूँ, जिनके एनकाउंटर्स हुए वो कौन थे, जिनके एनकाउंटर्स हुए वो ना ब्राह्मण थे, ना ठाकुर थे, ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, वो माफिया थे, वो अराजक तत्व। काउंटर होना जरूरी है उनके संरक्षण में, अगर किसी जाति का नाम जोड़ के बोला जाए तो उस जाति का अपमान होगा, किसी धर्म का नाम जोड़कर बोला जाए तो उसका अपमान होगा। तो मैं ऐसा नहीं मानती, विपक्ष तो मैं ऐसा नहीं मानती, विपक्षी ऐसा मानते हैं तो मानते रहे, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ब्राह्मण का कहीं कोई अपमान नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो माफिया ब्राह्मण जाति बताता है तो क्या वो ब्राह्मणों को बख्शता था माफियागिरी करने में, अपराध करने में, माफियाओं को ब्राह्मणों को बख्शता था? अपराधी अपराधी होता, माफिया माफिया होता, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता, अपराध का कोई जाति नहीं होता। इसलिए ब्राह्मण को लेकर भी नहीं जाना चाहती हूँ, हालांकि जो बातें सामने आती हैं, कल हमारे साथ मौजूद भी थे ब्राह्मण संघ के लोग, तो उन्होंने कहा कि नाराजगी है और उसको लेकर मैंने सवाल किया आपसे। ठीक है वर्चस जी, आपका क्या कहना है, क्योंकि रणनीति बनानी इस समय जरूरी हो गई है, विपक्ष पर या सत्तासीन लोगों पर जो बैठे हुए हैं उन पर इल्जाम लगाने से बेहतर आप अपनी रणनीति को मजबूत करें। हमारी रणनीति मजबूती से चल रही है, लेकिन जो हमारी सत्ता में इस समय पार्टी बैठी हुई है वो देश को किस तरीके से बांट रही है, पहले सांप्रदायिक तौर पर बांटती थी यही पार्टी थी, आज जातिगत तौर पे बांट रही है। सदन में प्रधानमंत्री का इस तरीके से कहना कि हमने पहली बार ओबीसी को इतनी ज्यादा जगह दी, एससी को इतनी ज्यादा जगह दी, तो क्या भैया सामान्य वाले लोग जो है वो लोग उस लायक नहीं थे, या आज तक ओबीसी और एससी की कोई महत्वता नहीं थी, लेकिन आपने
देश को बांटने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं जहां पे ओबीसी वोटर्स हावी हैं, तो आप उनको किस तरीके से साधेंगे? तो आपने क्या क्या एक ओबीसी का एक जुमला दिया, और पहले तो इनके जुमलों की आप बात सुनिए। ये जो अभी बहुत सारे ढकोसलों की इनकी हम आपको बात बताते हैं कि इन्होंने चीन का बहिष्कार किया था, जिस जिसका बहिष्कार करते उसी सबसे अच्छी दोस्ती भी करते हैं। इन्होंने चीन का बहिष्कार किया तो 2021 की पहली छमाही में सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ भारत ने किया है, 62.7% का व्यापार चीन के साथ भारत ने किया है। और इनका एक नाम और था कि अभी सदन में हंगामा हो रहा था क्योंकि ओबीसी ज्यादा मंत्री बनाए गए, इसलिए विपक्ष जो हंगामा कर रहा था, विपक्ष का हंगामा था कि मोदी जी डर के मारे जो जासूसी करा रहे थे हमारे नेताओं की, आदरणीय राहुल गांधी जी की जो जासूसी हुई, प्रशांत किशोर जी की जो जासूसी हुई, और इनको तो अपने मंत्रियों पर भी भरोसा नहीं है, अश्विनी वैष्णव से लेकर माधव सिंधिया तक की इन्होंने जासूसी कराई है। और अंतिम में एक बात और कहूंगा कि जितिन प्रसाद जी आपकी पार्टी में आए तो इनके पास ब्राह्मण के नाम पे एक चेहरा नहीं था कि ये जितिन प्रसाद जी को अपनी पार्टी मिला के बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी आपके पास उतनी मजबूती नहीं थी कि आप अपने मंत्री को रोक पाए। देखिए हम इस समय सत्ता में नहीं है, और हमारे साथ जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर उसको ये लगता है कि सामने कहीं कोई पद मिला वहां जा रहा, तो उस सबकी अपनी स्वतंत्रता है, वो कहीं भी जाए। बिल्कुल स्वतंत्रता है, अगर उनको लगा कि उनको बीजेपी कह सकते हैं। ठीक है मनीष जी, आपने तमाम इन्होंने लक्ष्य सुन लीजिए, ब्राह्मणों की जहां तक बात करी, ब्राह्मण नेताओं की, इनके पास अपने ब्राह्मण नेता तो बचे नहीं है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का किस तरीके से तिरस्कार इन लोगों ने किया, ये किसी से छुपा नहीं है। मुरली मनोहर जोशी जी का जी, रणनीति बनाने की जरूरत है, आपको अपनी रणनीति को मजबूत करिए। मैं बार बार यही कह रही हूँ, विपक्ष पर निशाना माफ कीजिएगा, सत्ता पक्ष पर निशाना साधने से बेहतर है कि आप अपनी रणनीति को देखें कि आप किस कदर आपको आगे बढ़ना है। मनीष जी आपने तमाम दलों की बातें सुनी है, ओम प्रकाश जी, शबनम जी मैं बिल्कुल आप पर आऊंगी, मैं मनीष जी से एक मिनट वर्षा जी मैं आऊंगी आप पर, आपसे जवाब ले लूंगी। मनीष जी आपने तमाम दलों की बातें सुनी, क्या लग रहा है कि जिस तरह से अब ओवैसी एंट्री हुई है, राजभर से वो मिलने गए हैं, उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी की सक्रियता भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, और कम समय में उन्होंने जो एक पैठ बनानी शुरू कर दी है, ये वाकई काबिले तारीफ है। तो क्या लगता है 2022 के चुनाव में जो एक ब्राह्मण वोटर का जो एक एंगल निकल कर सामने आया, हर कोई उसे साधने की कोशिश कर रहा है, चाहे सपा हो, परशुराम की 180 फीट की मूर्ति बनाने की बात हो, और बीजेपी के तो राम हमेशा से चलने आए हैं, लेकिन अब मायावती ने भी ऐलान कर दिया है ब्राह्मणों में नहीं आते हैं ना बीजेपी के, देखिए डिवाइड कर चुके हैं। अच्छा जी जवाब ले ले। देखिए जैसे आपने कहा चुनाव है, चुनाव 2022 का आ चुका है, और मैंने इससे पहले भी कई डिबेट में कहा है कि प्रियंका गांधी 18 महीने बाद लखनऊ की धरती पे आई। इससे पहले वो सीए का जब प्रोटेस्ट हो रहा था, साथ दारापुरी से मिलने आई थी, जब उनकी एक महिला जो है थाना अध्यक्ष से झड़प भी हुई थी। लगातार आती हैं जाती हैं, स्टेबिलिटी की कमी है, मैंने हमेशा उनसे कहा, और ये आप लोगों से भी कहा, ये मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी कहता हूँ, जबकि वर्चस्व जी मेरे ख्याल से जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो जानते होंगे इस बात को कि 10 लाख कैलेंडर केंद्र सरकार केंद्र से भेजे गए थे, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी के कैलेंडर्स भेजे गए थे। अब ये बताएंगे मुझे कि वो उन तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे, वो इसीलिए भेजे गए थे कि सारे कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज पहुँचाया जाए कि प्रियंका गांधी फिर आएंगी। देखिए जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात करी गई उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, उसमें एक बहुत देखने वाली बात यह है कि एक बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है 33% आरक्षण का, रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन का जो सदन में है वो बिल है, वो आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। कई सरकारें आई, दशकों बीत गए, एसडी देवगौड़ा के समय का वो बिल है, वो आज भी पास नहीं हुआ है। तो अगर जो सरकारें महिला सुरक्षा की बात करती हैं, महिला को समान अधिकार देने की बात करती है, मैं कहूंगा कि राज्यसभा में वो बिल पास है, उसको लोकसभा से पास करा लें, और सदन है अभी, समय भी है, तो महिलाओं पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। ये मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि वो कहें कि भाई 33% जो आरक्षण है महिलाओं को, जो सीटों की बात करी गई थी, वो अभी तक पास नहीं हुआ है, इनका भी दूसरा टर्म है और 7 साल हो चुके हैं। खैर जहां तक मैंने जातियों की बात करी, जतिन प्रसाद जी जो ब्राह्मण चेहरा थे जिनको लगाया भी गया था, और बीच में अगर आप देखें तो कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही थी ब्राह्मणों को लेकर, और अभिषेक मिश्रा जी जो समाजवादी पार्टी के, अभी 2 दिन पहले उनका भी एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने की बात करी है। तो ब्राह्मण वोटर एकदम से जो है, ब्राह्मण वोटर के पीछे कांग्रेस बहुत दिन से थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं सपा को भी अब ये लगने लगा है कि उनके मुस्लिम वोटर्स को तो वैसे ही काट ही रहे। देखिए जिस तरीके तो से जिस तरीके से साक्षी महाराज का बयान आता है, जिस तरीके से पंचायत चुनाव में 2 लोगों का जो है भाजपा के लिए वोट करना असदुद्दीन अवैसी का, ये सारी बातें कहीं ना कहीं उनकी भी जो क्रेडिबिलिटी है मुसलमानों के अंदर वो कम करती है, और समाजवादी ये चीज़ हमेशा जानती है कि अगर वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में अपने कैंडिडेट खड़े करते तो उनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं।
तो ये समाजवादी की कोशिश, पार्टी की कोशिश है कि लगातार वो बीजेपी की बी टीम घोषित करे। और तो मनीष जी, आपको क्या लगता है इस बार भी ओवैसी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छे ही साबित होंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, ओवैसी अच्छे साबित होंगे कि नहीं होंगे ये डिपेंड करेगा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर। अगर वो अपनी रणनीति बहुत मजबूत करते हैं, देखिए समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव का एक चेहरा है जिसके पास अपने कार्य हैं, भले वो अपने कार्यों पर के नाम पर वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन वो जो कार्य है वो आज भी जनता के बीच में और जनता उसको मानती भी है। अब वो क्या उसको पोर्ट्रे कर पाते हैं? प्रियंका गांधी, मैंने हमेशा कहा कद्दावर चेहरा है, आती है कार्यकर्ताओं में जान फूंक देती है। मैंने हमेशा कहा कि उनसे पहले आना उनको था, कॉल आवास में उनकी जगह पक्की होनी थी, लेकिन उससे पहले संजय सिंह आए। और जिस तरीके से वो बीजेपी के ऊपर हमलावर है, जिस तरीके से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस तरीके से ब्लॉक में जा जाके आम आदमी पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता बढ़ा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ बात है। बहुत कम समय में उन्होंने बहुत अच्छा ग्राउंड लेवल तैयार करा है। चुनाव है, देखने वाली बात है। भी हुई बिल्कुल बिल्कुल, जन्मदिन के बाद मुलाकात हुई और बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं इस बारे में कि क्या चुनाव में कोई बड़ा गठबंधन हमें देखने को मिल सकता है। और देखिए, गठबंधन की सरकार की जहां तक मैं बात करूं, चाहे केंद्र में हो और चाहे राज्य में उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, गठबंधन सब सरकार चला रहे। 40% ये जो ओबीसी वोटर है इस पर सबकी नजर है। देखिए, ये नैया पार भी लगा सकता है, ये नैया पीछे भी ला सकता है। जो संजय निषाद जी है जिनको साधने की बात करी जा रही है, अगर उनको कल एक बड़ा पद दिया, जल्दी ही अगर बड़ा पद दिया जाता है तो ये भी एक ट्विस्ट एंड टर्न देने की जरूरत भी पड़ गई है ना मनीष जी, जरूरत भी तो है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखिए उनके चार मंत्रियों की छुट्टी होने भी वाली है, लेकिन कुछ को जोड़ा भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, दो चार बातें हैं कि ये मैंने कैबिनेट एक्सपेंशन के टाइम भी पूछा था कि जब आप मंत्री की छुट्टी करते हैं तो किस बेस पे करते हैं? क्या आप उनका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ आप ये देखते हैं कि भाई जातीय समीकरण को हमें साधना है इसलिए हमें मंत्रियों को हटाना पड़ेगा? ये बीजेपी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बताना पड़ेगा। अब देखना ये है मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है, सुनील बंसल भी गए हुए हैं, साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह भी गए हुए हैं, तो उसको देखना होगा कि वो वहां से क्या रिपोर्ट कार्ड लेके आते, क्योंकि आखिरी मोहर तो लगेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की रणनीति पर जो चर्चा बन रही है 2022 के विधानसभा चुनाव, उसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। हालांकि ओबीसी और ब्राह्मण वोटरों को साधने की कवायद हर किसी ने शुरू कर दी है, वहीं सोशल इंजीनियरिंग का ने लगा दिया है, जिस पर अब उनको कितनी सफलता मिलती है क्योंकि देखने वाली बात होगी। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार में किसको जगह मिलती है, जितिन प्रसाद को कौन सा बड़ा पद दिया जाता है, यह भी एक आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाल से होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।